दोस्तों, हम सभी एक दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर है, परिवार है, वो कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक भिखारी गांव में भिख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भिख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर वह यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं। ये लोग परिवार में दो बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता, किसान का परिवार कितना खुश है। और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है, और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है, साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 मांगे और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है, मैं कहां 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ के पास 20,000-30,000 का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश आ रहा था कि 1,00,000 का फायदा हो गया, 2,00,000 का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया है, मुंबई में हो गया, ये सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5,000-10,000 में खेल रहे हैं, यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। ये सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक उतार आया है मालिक, 7,00,000 का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है, अपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहां दावत है, लॉर्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी, जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। ये सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो सुखी ये हैं, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहां दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए, नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है, अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा
कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो जिंदगी में खुश तो यह है, सुखी तो यह है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने के अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। दोस्तों, दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। शायद आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वह पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं हासिल कर सकूं। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसके मन में विचार आया, काश यह घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया। लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही है जिसमें बीचों बीच एक राजनीतिज है। उसे देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर भी टिक नहीं पाई क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, यह जो सूरज है यह सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी टिक नहीं पाई क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी कोई रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा कर ले गई। फिर उसके मन में यह विचार आया कि काश मैं हवा होता और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का भी दम है।
फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ होता और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, मैं वह बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि कि असलियत में मैं वही हूं। दोस्तों, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का एवं साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है जिसे आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनती है। बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। और तिछारी सिख जो हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए, एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन अब 56 वर्ष का हो गया था। राजा बहुत खुशी और धूमधाम के साथ रहता था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 16 साल के हैं या 56 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी भी किसी से आपका खुद का सम्मान करने के लिए ना कहे, किसी से सम्मान की भीख ना मांगे। यह कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें। इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। ये याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहे। कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। ये जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहें तो यह अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यह लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं।
वह नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सकें, साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेख हो। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं, और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें। लक्ष्य पहले, इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है, आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहे अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने के अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जीवन में हर वह इंसान सुखी है जो अपने से ऊंचे धनवान व्यक्ति की ओर नहीं देखता। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, यह हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, वह किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिदंगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद्द है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।